हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे IFS के चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मेटालोसिन्स के ऊपर यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और एट द एंड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका आप आंसर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके CSIR नेट हो गया, गेट हो गया, इवन सेट एग्जाम होगी, इनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं मेटालोसिन्स। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हो, ये होते हैं आपके मेटालोसिन्स। इनका और एक नाम है, आपने सुना होगा, इन्हीं को बोला जाता है सैंडविच कंपाउंड्स। इन्हीं को बोला जाता है सैंडविच कंपाउंड्स, ठीक है। जो भी चीजें यहां पर मैं लिखूंगा वो आप सारे नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, तो उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ओके। देखो, यूजुअली जो मेटालोसिन्स है इनको बनाने का एक तरीका होता है। मान लो कि मेरे पास है FeCl2, क्या है मेरे पास FeCl2, और इसकी रिएक्शन मैं करता हूँ 2NaP5H5। तो यहां से फिर मुझे मिलेगा आपका मेटालोसिन, यानी कि Fe3+ प्लस आपका यहां से मिलेगा मुझे 2NaCl। तो ये हो गया आपका मेटालोसिन, यानी कि सैंडविच कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड क्यों बोला जाता है, वैसे दिखता है सैंडविच की तरह, है ना, ऊपर एक रिंग, नीचे एक रिंग और बीच में आपका एक मेटल है, इसलिए इसको बोला जाता है सैंडविच कंपाउंड। यानी कि ये आपकी सीपी रिंग हो गई, यहाँ पर आ गया आपका एफी और यहाँ पर जो है आपकी दूसरी सीपी की रिंग हो गई। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होगा, बराबर कि नहीं, 5+8+5, तो आपका ये एक 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट ये चीज़ें डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके मेटल के ऊपर। अब यहाँ पर आपका एफी है इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना है, अगर एफी नहीं होगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं। बट ऐसा है क्या कि सिर्फ Fe ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है, इनके अलावा भी कोई भी आपका एक मेटल देखने को मिलता है, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कोई और भी मेटल जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक सी चीजें हो गई। अब इसका स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलता है डी ऑर्बिटल्स का, तो थोड़ा सा वो देखेंगे हम यहाँ पर। डी ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है ना यूजुअली आपको यहां से देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी वो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मान लो, आपको पता है डी सबशेल की जब हम बात करते हैं तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, बराबर। ये हो गए आपके 5 ऑर्बिटल्स। एक बार यहाँ पर हम लिख सकते हैं DXY, DYZ, DXZ, DX²-Y² और यहाँ पर आ जाएगा आपका DZ². अब ये स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है थोड़ा सा वो देखते हैं हम यहाँ पर। सी सबसे ऊपर जो है यहाँ पर चला जाएगा आपका DXZ DYZ, ये आपका DXZ DYZ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका DZ² यहाँ पर आ जाएगा आपका DZ² और सबसे नीचे होगा आपका DXY और यहाँ पर आपका DX²-Y। बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको यूजुअली देखने को मिलता ही मिलता है, कभी कभी डायरेक्टली स्प्लिटिंग भी आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, देखो ये जो गैप है इसको हम बोलेंगे Δ1 और ये जो गैप है इसको हम कहेंगे Δ2। तो एक चीज़ आप यहाँ पर इस डायग्राम से ये ऑब्जर्व करोगे कि Δ2 का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Δ1। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे ना तब आपको इसका बात समझ में आ जाएगी। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि Δ2 का जो गैप है, यानी कि DZ² और DXZ DYZ का बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू DXY DX²-Y² एंड DZ². इसको और एक तरीके से शो किया जाता है, इसको बोला जाता है E2G, ये है आपका A1G और ये है आपका E1G R, ठीक है। ई मतलब डबली डिजनरेट, क्योंकि वहां पर दो ऑर्बिटल थे DXY DX²-Y², बीच में एक ही ऑर्बिटल है DZ², तो ये A1G और ऊपर DXZ और DYZ यानी कि E1G*। तो ये होती है आपकी स्प्लिटिंग किसकी, मेटालोसिन्स में डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। अब डायरेक्टली हम यहाँ पर स्प्लिटिंग देखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा मेटालोसिन और इसमें मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सही है। सबसे पहले यहां पर मैं लेता हूं वैनेडियम,
सीपी ट्वाइस और आपका वैनेडियम। अब यहाँ पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आएगी क्लियरली, बराबर कि नहीं है, प्लस टू आएगी। अब प्लस टू है तो ये आपका हो जाएगा 4s0 3d3 होगा। अब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से है, सही है, तीन इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो 1 2 और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो ये है आपका e2g a1g और ये आपका e1g स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं e2g ट्वाइस a1g 1 और आपका e1g स्टार 0। तो कई बार जो क्वेश्चन है आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है e2g a1g और e1g स्टार। तो यहाँ से एक चीज हमें पता चल गई कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरा मैग्नेटिक कहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, पैरा मैग्नेटिक कहेंगे। अब वैनेडियम था, वैनेडियम की जगह आप दूसरा और एक मेटल आ सकता है, मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर सीपी ट्वाइस सीआर। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, सीआर प्लस टू आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 4s0 3d4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरीके से आएगा, अब देखो चार इलेक्ट्रॉन से 1 2 3, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है आपका वापस से e2g में जाता है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा टू का गैप बहुत ज्यादा है ना, अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं सकता, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है आपका वापस से e2g में ही जो है चला आता है। तो यहाँ पर आप वापस देख सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको आप वापस क्या कहोगे, पैरा मैग्नेटिक कह सकते हैं। तो ठीक है, क्रोमियम की बात हो गई, अब बात करते हैं यहाँ पर MN। अब MN में क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा केस है। MN में जो है ना, दो हमें केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका, 4s0 3d5 है, बराबर कि नहीं, 4s0 3d5। यहाँ पर दो केसेस है हमारे पास, एक होता है आपका सॉलिड स्टेट वाला केस और दूसरा है हमारे पास गैसियस स्टेट वाला केस। अब सॉलिड स्टेट में ना यहाँ पर थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है, यानी कि स्प्लिटिंग तो डी ऑर्बिटल्स की वही रहने वाली है, तो पांच इलेक्ट्रॉन्स, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है ना सॉलिड स्टेट में ऊपर चला जाता है, ये है आपका e2g a1g, ये आपका a1g स्टार। और अगर गैसियस स्टेट में देखो यहाँ पर, तो गैसियस स्टेट में जैसे पहले था वैसे ही होगा, यानी कि 1 2 फिर आपका 3 4 और आपका 5। तो इस तरीके से आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है। अगर एग्जाम में पूछेंगे MN के बारे में तो वहाँ पर मेंशन किया जाएगा, डोंट वरी, कि सॉलिड स्टेट के बारे में पूछा है आपके, गैशियस स्टेट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर है n=5, यानी कि पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर है आपका एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो e2g, ये है आपका a1g और ये है आपका e1g स्टार, सही है। और अगर मान लो कि अब दिया है आपको Fe दिया है, तो Fe2+ क्या आ जाएगा आपको, 4s0 3d6 होगा। अब 3d6 है तो किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, सेम, सिर्फ MN में ही अलग से बिहेवियर हमें देखने को मिलता है, बाकी हर एक मेटल के लिए सेम ही चीज़ें होगी। यानी कि यहाँ पर आपका e2g a1g और आपका e1g स्टार, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो n=0 है, तो 0 के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये आपका डाया मैग्नेटिक। अब यहां से होता क्या है, एक कंक्लूजन हमें जो है यहां से देखने को मिलता है, यूजुअली क्वेश्चन है उसकी, उसके ऊपर ही आता है और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है ना, मान लो कि ये आपका मेटल है, मेटल और सीपी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, ये आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो एग्जाम में कभी कभी इसके ऊपर सवाल पूछते और पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो वहां पर जो मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल बनता है, ठीक है, कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपसे पूछेंगे। यूजुअली एमओटी में हम पढ़ते हैं ना कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वहां पर कम एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक होने के लिए, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, या वाइस वर्सा, अगर जितना छोटा बॉन्ड लेंथ है यानी कि वहां पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपकी ज्यादा लगने वाली है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलिए, तो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका एक सवाल है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। तो इसका जो भी आपका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ओके। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं यहां पर, ये देखो, ये आपके सामने सवाल है यहां पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ ऑफ मेटालोसिंस ए टू सी। तीन आपको यहां पर कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, Fe वाला, Ni वाला, C वाला, कौन सा, कोबाल्ट वाला। तो एक बार क्या करोगे आप, सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, देखो किसमें कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके हिसाब से जो भी आपका आंसर आएगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, वहां पर जो भी आपका आंसर होगा सही है या गलत है मैं आपको वहां पर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो जाते जाते यहां पर मैं आपको बता दूं कि CSIR नेट एक्सक्लूसिव लाइव बैच जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है 28th of October, ओके, फ्लैट 50% ऑफ है, यहां पर आपको IFS दे रहा है, और सिर्फ दो दिन बाकी है यहां पर। तो आप देख सकते हो 10 नवंबर को ये आपकी जो ऑफर है ये खत्म होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आइए और यहाँ पर रजिस्टर हो जाइए। जो भी आपके दोस्त है जो CSIR नेट गेट या इवन बाकी के भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जो देना चाहते हैं तो उनके साथ भी ये न्यूज जो है शेयर करो, ठीक है। चलिए फिर, तो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।